देश भर में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। धरती के बढ़ते ताप की वजह से देश में बीते 10 साल में लू प्रभावित राज्यों की संख्या में 35 फीसदी का इजाफा हुआ है और इनकी संख्या 23 हो गई है, जबकि गर्म लहरों के दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 4 गुना का इजाफा हुआ है। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की संयुक्त रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में शुरुआती लू की आशंका 30 गुना ज्यादा थी। ये साल अब तक का पांचवा सबसे गर्म साल रहा, जबकि 2023 ही अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। साल 2015 से 2024 के बीच देश में सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित राज्यों की संख्या 17 से बढ़कर 23 पहुंच चुकी है। राज्यों की इस लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का नाम शामिल हुआ है, जहां मैदानी राज्यों की तरह भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि गर्मी का ये ट्रेंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को साबित करता है। साल 2014 से पहले हिमाचल व अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और केरल व तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में लू का असर नहीं था, लेकिन बीते कुछ साल में खासकर कोरोना के बाद 2021 से 2023 के बीच मौसम में काफी तेजी से बदलाव आया। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने बताया कि 2023 में 329 दिन लू का असर रहा, जो 2022 में मात्र 203 दिन था। वहीं 2014 से 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर औसतन लू प्रभावित दिनों की संख्या 7.4 से बढ़कर 32.2 दिन तक पहुंच गई है। NCDC ने बताया कि 16 साल पहले यानी 2008 में देश में सिर्फ 9 राज्यों में सबसे ज्यादा गर्मी और लू का असर था, जहां हर साल मार्च से जुलाई के बीच सरकारों का ध्यान रहता था। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम इलाका और महाराष्ट्र का विदर्भ इसकी चपेट में थे। पिछले कुछ साल में देश में गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसका कई जिले और शहरों पर गंभीर असर पड़ रहा है। अब तक के मौसम रिकॉर्ड में साल 2023 सबसे गर्म साल रहा और इस पूरे साल में 19,402 लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। हालांकि इन्हें संदिग्ध मामलों में माना गया, क्योंकि हीट स्ट्रोक का संबंध सीधे तौर पर नहीं दिखा, लेकिन इनमें से 189 लोगों की मौत हुई है, जिसमें हीट स्ट्रोक को जिम्मेदार माना है। उत्तर भारत में अत्यधिक गर्मी का सबसे तेज असर पंजाब और हरियाणा राज्य में देखने को मिल रहा है। हिमाचल इलाके से नजदीक होने के बाद भी इन दोनों राज्यों में बीते सालों की तुलना में गर्म लहरों के दिनों में लगभग 12 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बहरहाल, आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।